पहली बात तो मुझे बहुत खुशी है, मैं ओनीर की फिल्म देखने आया हूँ और ओनीर जो है वो हमेशा एक अलग तरह की फिल्म बनाते रहे हैं। मैं हमेशा उनकी फिल्में पसंद करता रहा हूँ। वो हमेशा नए कलाकारों के साथ काम करते हैं और मंझे हुए कलाकारों के साथ काम करते हैं, तो आई एम होपिंग टू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। को जाना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं गए तो फिर ये लगेगा कि एटीट्यूड आ गया इंसान के अंदर, वो टाइम नहीं दे रहा है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि और सबसे अच्छी बात ये है कि इतनी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पार्टियाँ छोड़कर मैं एक स्क्रीनिंग अभी अटेंड करके आया हूँ हक्से की, जो एकता का शो है, और अब मैं अटेंड कर रहा हूँ ओनीर की फिल्म। माय वेरी क्लोज फ्रेंड सिद्धार्थ इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, एंड दिस स्पेसिफिक फिल्म इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज में मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है, पहला नशा। सो बहुत अच्छा लगा है। ओनीर इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म मेकर्स, मेरी फेवरेट फिल्म, टॉप 10 फिल्मों में से एक फिल्म है माई ब्रदर निखिल, और उसको देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी फिल्म्स में इतनी सेंसिटिविटी होती है जो कि वो बहुत ब्यूटीफुली पर्दे पे उतारते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ दिस फिल्म शेप्स अप एंड हाउ। मुझे लगा था ट्रेलर देखकर कि यू नो, जब कोई एक इंटेलिजेंट इंसान एक लव स्टोरी सुनाता है तो वो किस तरीके से सुनाता है वो आपको ट्रेलर में दिखता है, और जिस तरीके से उन्होंने मेरा फेवरेट सॉन्ग यूज़ किया पहला नशा, वो मुझे बहुत एक्साइटेड था। एंड आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अ लव स्टोरी ऑफ अ पर्सन जिसको बिना देखे प्यार करने लगते हो और जो कन्फ्यूजन होता है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्वाइट एक्साइटेड टू सी इट। यार मेरी बहन की शादी सोशल मीडिया पे हुई है, सो शी मेट अ गाय ऑन फेसबुक, 2 years दे डेटेड एंड दे गॉट मैरिड सो अर्ली, दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली कोमल एंड भाविक। सो आई टू कम्प्लीटली बिलीव मिलने का मौका ढूंढना चाहिए दो प्यार करने वालों को, और उसके बाद तो प्यार को कोई रोक ही नहीं सकता। यार काम स्टार्ट हो गया, मेरा बाकियों का सेलिब्रेशन कंटिन्यूड है, मेरा काम बिल्कुल सेकेंड डे से स्टार्ट हो गया। सो आई एम वर्किंग, आई एम अटेंडिंग थिंग्स, आई एम सपोज टू अटेंड वर्क थिंग्स, एंड लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइंड अप, सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। मुझे यंग लगी, मज़ेदार लगी, फन लगी, एंड मुझे इसमें जो व्हाट्सएप का एलिमेंट है वो बहुत क्यूट लगा, बिकॉज आई थिंक कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का यू नो अब अनडिनाइबल सच है। व्हाट्सएप, आई मीन आई डोंट थिंक वी कैन फंक्शन विदाउट व्हाट्सएप एक्चुअली, सो इट्स रियली क्यूट एंड कंटेम्प्रेरी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग फिल्म। मुझे एक्चुअली हाँ, मेरा सोशल मीडिया के साथ अच्छा भी एक्सपीरियंस रहा है, बुरा भी एक्सपीरियंस रहा है, तो जो बुरा एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है, जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी हो जाता है कभी कभी। बट आई थिंक ऑन द होल सोशल मीडिया बहुत अच्छा तरीका है हमारे यू नो, ये प्रिविलेज है हमारा कि हम किसी भी दुनिया में, किसी भी हिस्से में किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। आज हम ऐसे दौर में हैं जहाँ हम अमेरिका के राष्ट्रपति को टैग करके ट्वीट कर सकते हैं, तो ये एक पावर है एक तरीके का जो आम आदमी के पास और सबके पास अब है। एंड आई थिंक दैट पावर शुड बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। माय ट्रोल्स, आई होप यू आर लिसनिंग।